अणुव्रत समिति सिरसा की ओर से एसएस जैन सभा से अणुव्रत अमृत महोत्सव रैली निकाली गई, जिसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से लोगों को अणुव्रत का संदेश दिया गया। यह रैली नगर के अलग अलग मार्गों से होती हुई वापस जैन सभा में आकर संपन्न हुई। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा की अगर बात की जाए तो उन्होंने अणुव्रत समिति सिरसा के प्रधान रविंद्र गोयल एडवोकेट और उनकी टीम की अगर बात की जाए तो उनका स्वागत किया गया। जैन भवन में आयोजित कार्यक्रम में गोविंद कांडा ने साध्वी सुमन श्री और अन्य साध्वियों से आशीर्वाद भी लिया। इस अवसर पर समिति की ओर से गोविंद कांडा को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। जिन मुनियों ने साधुओं ने इतनी बड़ी अहिंसा की रथ यात्रा लेकर चले हमारे भारत देश के लिए, उनके भी चरणों में मैं नमन करता हूं कि मेरा सौभाग्य कि आज यहां मुझे बुलाकर इन्होंने जो मान सम्मान दिया, मैं पूरी कमेटी का आभार प्रकट करता हूं। पर बच्चों, मेरी बेटियों, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि शिक्षा एक सरस्वती का विद्यालय है, माँ सरस्वती का मंदिर है। शिक्षा में बहुत जगह स्कूल होते हैं, मिलती है, लेकिन कई जगह स्कूल जो खोले जाते हैं संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में, गुरुओं के सिद्धांत पर, गुरुओं के आशीर्वाद से वो जगह बहुत ज्यादा